Welcome to BBVN online classes. Myself, Mamta, and today, in figure of a speech, we are going to read about and learn about adverbs. So today's topic is adverb. Adverb mainly consists two words, add and verb. Add meaning हम सब जानते हैं adding something. Verb जो है adverb पढ़ने से पहले it is more important that we should know what a verb is. So in a normal way we can say that action words are called verbs. जितने भी action words हैं, whether it is singing, dancing, playing, cooking, all these things are verbs. But in grammar we have some definite definitions for a verb. So for instance we can see that a verb is a word, एक तरीके का शब्द है, that stands for an action. एक तरीके के action के लिए जो भी आप काम करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, दैट स्टैंड फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग. अ स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज के होने की स्थिति को शो करता है. लाइक विशाल इज अ गुड बैट्समैन. जो विशाल है वो क्या है, एक अच्छा बैट्समैन है, बल्लेबाज है. तो ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. देन पोजिशन. पोजिशन का मतलब होता है अधिकार शो करना. सी वर्ड्स हैव फीडर्स, ठीक है. तो वर्ब्स जो है उसके पास में क्या है, फीडर्स. तो फीडर्स में किसका पोजीशन शो हो रहा है, वर्ब्स का. सो वर्ब जो होती है वो मेनली एक्शंस को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करती है और पोजीशन को एक सेंटेंस में दिखाती है या रिप्रेजेंट करती है. ओके, वर्ब आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्ब एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्रिंसिपल वर्ब्स जो है वो इंडिपेंडेंट वर्ब्स भी कही जाती है, बिकॉज वो अपने आप में ही अपना मीनिंग जो है वो आपको क्लियर कर देती है. फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स. सो मुझे पता है कि वो गाना गाता है. आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब और एनीथिंग एल्स. सो प्रिंसिपल वर्ब्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है. ऑक्सिलरी वर्ब्स जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके जो आप यूज करते हैं, लाइक सिंपल पास्ट में आप यूज करते हैं डू डस, देन इज एम आर, हैज एम, हैड, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरी वर्ब्स. देन वी हैव मॉडल्स ऑल्सो. मॉडल्स जो है उनको भी हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में ही यूज करते हैं, ठीक है. सो नाउ आई थिंक वर्ब इज क्लियर. वर्ब होती क्या है और उसके दो टाइप्स हैं वो क्लियर होते हैं. नाउ द टॉपिक इज एडवर्ब. सो एडवर्ब का अगर अपन जनरल वे में मीनिंग निकालें तो ये इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. तो कुछ ना कुछ जो वर्ड वर्ब की मीनिंग में एड ऑन कर देता है. बट इफ यू सी द डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब जो है वो एक तरीके से एक वर्ड होता है दैट मॉडिफाइज, यानी कि जो डिस्क्राइब करता है, विस्तार से आपको जानकारी देता है किस चीज की, अ वर्ब. वर्ब के बारे में आपको ज्यादा बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा. अनदर एडवर्ब, समटाइम्स क्या होता है कि एक सेंटेंस में आप एक से ज्यादा एडवर्ब्स या वर्ब्स का यूज करते हैं तो वहां पर भी ये चीज फॉलो होती है. एंड इवन अ होल सेंटेंस, और कई कई बार एक पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में भी हमें पूरी जानकारी डिटेल में देता है. सो वी कैन सी द मैन वॉक्स. सी द मैन हियर इट इज सब्जेक्ट एंड वॉक्स इट्स द वर्ब. अब अगर मैं इसमें एड ऑन करती हूँ स्लोली तो मुझे पता चलता है कि वॉक कैसे कर रहा है, स्लो वे में. तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन एडवर्ब. ओके, इन द नेक्स्ट सेंटेंस तो इट रिप्रेजेंट्स और इट एनहेंस द मीनिंग ऑफ द वर्ब. इन द सेकेंड पोजिशन वी हैव एन एडजेक्टिव एंड सी दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. हियर ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव. व्हाई सो, बिकॉज पिक्चर के बारे में क्या बता रहा है कि वो पिक्चर कैसी है, सुंदर है. बट व्हेन आई एड वेरी इट मीन्स कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है. सो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है. देन अ स्नेल मूव्स वेरी स्लो. सो वेरी यहाँ पर स्लो को क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है. कितना धीरे चल रहा है, बहुत ज्यादा धीरे चल रहा है. ओके, सो एडवर्ब जो है
उसको भी ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. देन फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला. इमेजिन इट इज गोइंग टू बी रेन, तो आपको क्या करना है, आप बोलेंगे कि फॉर्चुनेटली, लकीली आपने क्या किया है, आपने एक छाता खरीद लिया था, तो आप क्या करेंगे, बारिश से बच जाएंगे. सो लकीली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला. सो इट इज क्लियर दैट एन एडवर्ब क्या डिस्क्राइब करता है या क्या मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, वर्ब के साथ साथ में एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है, और कई कई बार हमारे पूरा जो सेंटेंस है उसको भी ये मॉडिफाई करके हमें मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. सो दिस इज क्लियर डेफिनेशन ऑफ वर्ब, देन डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स हैव सम काइंड्स, सम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, बट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट इन अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.